वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये वो माँ बाप की तस्वीरें हैं जो अपने बेटे से कई उम्मीद लगा के बैठे हैं कि एक दिन हमारा बेटा पढ़ लिख कर हमारी इस गरीबी को मिटाएगा, हमारे घर के हालातों को बदलेगा। वो तुमसे कितनी उम्मीद लगा के बैठे हैं और तुम कहते हो कि पढ़ाई करने में मन नहीं लगता। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जीने मरने को तैयार है और तुम हो कि सिर्फ 2 घंटे पढ़ने के लिए तैयार नहीं। क्या तुम्हारे माँ बाप की वो तकलीफें, वो दर्द, वो मेहनत तुम्हें दिखाई नहीं देती? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर गर्व महसूस करें? क्या तुम नहीं चाहते कि देश और दुनिया में तुम्हारा नाम हो? पढ़ाई में मन ना लगने की सबसे बड़ी वजह है तुम्हारा मोबाइल। देखो, मोबाइल को यूज़ करना गलत नहीं है, लेकिन मोबाइल के अंदर तुमने जो एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखे है वो गलत है। तुम्हें क्या लगता है, टॉप करने वाला इंसान मोबाइल नहीं चलाता? चलाता है, वो भी मोबाइल चलाता है। दुनिया में हर सफल इंसान मोबाइल चलाता है, लेकिन वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर ऐसे फालतू की रील्स देखने में अपना समय बर्बाद नहीं करता। जब भी वो मोबाइल यूज़ करता है तो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, मोटिवेशन के लिए। एक बात हमेशा याद रखना कि राजा बनने के लिए भिखारी की तरह मेहनत करनी पड़ती है और सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह तपना पड़ता है। अगर तुम समझते हो खूबसूरत तितलियों के आगे पीछे घूमकर फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर एडिट डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। आखिर कब तक तुम झूठी जिंदगी जियोगे? आखिर कब तक? देखो, ये जो 20 और 25 की उम्र होती है, ये वो उम्र होती है जिसमें या तो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो या बर्बाद कर सकते हो। लेकिन आपको तो बस बहाने बनाना आता है कि कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, सोमवार से पढ़ूंगा। कब तक आप कल पे टालते रहोगे? कब तक? कल जब आप मरने वाले होंगे तब भी आप यही कहोगे, तुम आज ही तय कर लो कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में करना क्या है, वरना ज़िंदगी तो सोच ही रही है कि तुम्हारा क्या करना है। इसलिए आज ही अपना एक लक्ष्य बना लो और अपने मोबाइल से वो सारी चीज़ें हटा दो जिनका तुम्हारे लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद भी तुम्हारे अंदर पढ़ाई करने की आग ना लगे तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिर तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर जो मर्जी करे सो कर लेना, मगर इतना ज़रूर याद रखना कि एक दिन तुम छाती पीट पीट कर रहोगे कि उस टाइम मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की। देखो, किसी भी फील्ड में तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो सक्सेस की गाड़ी एजुकेशन के रास्ते से ही होकर गुजरती है, इसलिए पढ़ाई करना तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर इस वीडियो से तुम्हारे अंदर पढ़ाई करने की थोड़ी सी भी आग लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।